हाय गाइस, हम लोग पार्टी करने के लिए एक बहुत ही सरप्राइज जगह पे जाने वाले हैं। जगह का नाम आपको देख कर पता चलेगा जहाँ पहुँचने वाले हैं। पूरी फैमिली हमारे साथ है और दो चमचमाती कारों के साथ हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। गाइस बने रहिए, आगे के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और जैसे कि अभी मेरे छोटे भाई ने आपको बताया कि हम बहुत ही खास जगह जाने वाले हैं, और जैसे कि आप जानते हैं ललितपुर में सबसे अधिक डैम्स हैं और यहाँ पर लगभग 20 से 22 डैम हैं, और उन्हीं में से एक आज हम बहुत अलग एक डैम पे जाने वाले हैं जिसका नाम सजनाम डैम है। और ये हम रास्ते पे आ गए हैं सजनाम के, और ये बच्चे आगे वाली गाड़ी में, तो चलिए। गाइस बिलीव मी, बहुत ही खूबसूरत जगह है और गाइस हम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं एकदम से। हमारे ड्राइवर बहुत ही अच्छा गाड़ी चला रहे हैं ताकि हम लोग पूरा व्यू अच्छे से कवर कर पाए। थैंक्स टू माय गाइस। हम लोग वर्ड्स में आपको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बताओ, घर पर खा लेते? घर पर भी हम खा सकते थे, लेकिन गाइस बाहर खाने का कुछ मजे अलग ही होता है। बोट आ रही है, देखिए गाइस यहाँ पर बोटिंग भी होती है। ये सब हम आपको करके दिखाएंगे, आप बस बने रहे हमारी फूल बुंदेलखंडी। फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं सजनाम डैम, और चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं सजनाम बांध की। तो दोस्तों ये रहा सामने सजनाम बांध, और इसको सजनाम बांध कहने का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ जो नदी है वो सजनाम उसका नाम है, और ये जो डैम बना है सजनाम नदी पर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कैचमेंट एरिया इसका जहाँ तक पानी भरा है बहुत बड़ा है। मुझे तो इस तरफ दिख रहा है लेकिन उस तरफ तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि दिख ही नहीं रहा है कि आगे पीछे क्या है, पानी ही पानी है। और आज दोस्तों डैम दिखाने से पहले हम लोग डैम के नीचे आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा छोटा सा प्यारा जंगल है, और जिसमें आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, मज़ा आ रहा है। और ये हम लोगों ने बैगन भूनने के लिए आग जला ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी हो रही है दाल बाटी और बैगन भरता। तो दोस्तों ये खाने का प्रोग्राम हम लोगों का रेडी हो चुका है, तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं, सारे फैमिली मेंबर्स अच्छे से काम में हेल्प कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जिस पर खाना बनेगा वो बिल्कुल रेडी है, आग का काम। गाइस ये सामान देखिए, मटर रेडी है, आ रहा है सब।
हमारी टीम के सदस्य जो आज खाना में हेल्प कर रहे हैं। गाइस, बेज और नॉन बेज दोनों का प्रोग्राम है हमारे यहाँ। बेज की प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, बैगन का भरता मिलेगा, और नॉन वेज के लिए सर आपको मालूम ही है चिकन। और सबसे अच्छी बात है ये टूर की, या आप पिकनिक कहें, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बैडमिंटन चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है। हाय कुशाग, तो आप क्यों बैठे हैं? अच्छा लग रहा है? खाने में कितनी देरी है? कोई बात नहीं, एक्चुअली में हम लोग घर से ही लेट चले थे तो प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है, बट एनीवे कार तो प्रगति पर है। ये लोकल बॉयज़ हैं यहाँ के बच्चे, ये क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। कैसा फील कर रहे हैं आनंद आप? एक्साइटेड हैं आप? अरे वाह। तो भैया कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे। वाह, देखिए हमारी टीम के मेंबर्स कह रहे हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे तो कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। हम लोग एक्चुअली में लेट आए ही हैं, तो उस हिसाब से तो कुछ लेट नहीं है। देखिए सैलड भी आ चुकी है, ताज़े अमरूद हैं, एक्चुअली में मटर है, बैगन है, लहसुन, टमाटर, सब कुछ सारे आइटम हैं। चलिए तो दोस्तों, वहां पर बन रहा था खाना, और अब मैं आपको जंगल के इस साइड में चल के थोड़ा सा आपको जो सजनाम डैम है उसके इस तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ। इस वक्त गेट तो बंद है फिलहाल, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि पानी है इस साइड, तो ये थोड़ा बहुत गेटों से निकलता रहता है। और आप देखिए, आपको हम ले चलते हैं गेटों के पास, और ये छोटा ही डैम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लगभग 4 गेट हैं, और काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और इस वक्त गेट सभी गेट बंद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और पानी उनमें से थोड़ा थोड़ा रिसता हुआ तो ये भर जाता है, और ये पानी भरा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये सजनाम नदी है, इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है, और जैसे ही किसानों को आवश्यकता रहती है तो नहरें भी हैं यहाँ से, तो नहर भी पानी के लिए उपयोग की जाती हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं गेट पूरी तरह बंद है, थोड़ा बहुत पानी उनसे किनारों से निकल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सजनाम डैम था, आप इसके ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी नीचे से देख रहा हूँ, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये जंगल है, और यहीं पर हम लोग आए हुए हैं आज खाना बनाने के लिए। ग्रेवी तो मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, बहुत ही शानदार। ओए होए 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 गाइस, बहुत ही बढ़िया खाना। तो खाना यहीं नहीं रुक रहा है गाइस, इकट्ठे 3-3 चूल्हे जल रहे हैं। मैं आपको अब अगला नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाने वाला हूँ गाइस। ¿Qué te recuerdo?
गाइस ये दूसरा वैगन का भरता, दूसरा चूल्हा ये जल रहा है देखिए आप। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक चूल्हे में नॉन वेज बन रहा था और एक चूल्हे पर वेजिटेरियंस लोगों के लिए ये भरता तैयार हो चुका है। इस पर दाल चढ़ी हुई है। कुसु खाने में क्या क्या है? ये खाने भूत, अरे खाने में बताओ क्या क्या है। दाल है, भरता है, सीरियसली मक्के की रोटी, बहुत अच्छी मक्के की रोटी है। हाँ, देखो कर क्या सकते हैं आप। इट्स अ टोटल टोटल लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवेंचर, टोटली एक्सप्लोरिंग। जी हाँ, खाना कैसा लग रहा है? अभी मेरी आई का। अच्छा, लो टेस्ट करो, बहुत टेस्टी है, एक बार आप जरूर आए। एटलीस्ट उनकी मेहनत को आप कराए। हाँ, खाना बताओ कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, जंगल फूड। और दोस्तों यहाँ पर हमारी रोटियां बन रही थी, बहुत गजब रोटियां, चूल्हे की मजा आ गया था। और दोस्तों वहां पर हमें 7:30 बज गया था। फिलहाल हम अपनी जगह को प्रॉपरली साफ करके वहां से निकले थे और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग हाईवे पे पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग में अगर आपको कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, जिससे मैं सुधार कर सकूँ। हाँ दोस्तों, मैं एक ललितपुर के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि ललितपुर में सबसे अधिक बांध हैं और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह हैं, बहुत मज़ा आता है। बुंदेलखंड का ये सबसे प्यारा ज़िला है। धन्यवाद।